देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले दो भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे भाग की ओर। देखते ही देखते उन तीनों ने मिलकर मुझे कस के बांध दिया। मैं अभी उनके सामने रोए और गिड़गिड़ाए जा रहा था। मुझे बांधने के बाद उन तीनों ने मुझे उठाया और आरा मशीन पर जोर से पटक दिया और मैं धीरे धीरे करके आरा ब्लेड के करीब जाने लगा। अब ये साफ हो गया था कि कुछ ही देर में मैं दो हिस्सों में बढ़ जाऊंगा और मेरी भी मौत हो जाएगी। वो तीनों भी मेरे उस आरा मशीन से कटने की ही राह देख रहे थे। जैसे जैसे मैं ब्लेड की तरफ खिसक रहा था वो तीनों मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे थे कि इसी बीच मुझे एक ट्रक की हॉर्न सुनाई दी और जब एक नजर मैंने अपने दाईं ओर देखा तो मुझे एक ट्रक आते हुए नजर आया। उस ट्रक के वहां पहुंचते ही अचानक ही वो आरा मशीन बंद पड़ गई और वो तीनों भी कहीं गायब हो गए, जिससे मुझे थोड़ा हौसला मिला और मैं चिल्लाते हुए उस ट्रक वाले को बोला, मुझे बचाओ, मैं यहां पर हूं। पहले तो कुछ देर ट्रक वाला ट्रक से उतरा नहीं, फिर जब वो उतरा तो सीधे मेरे पास आया और हाथ पैर खोलते ही मुझे जल्दी से ट्रक में बैठने को कहा। मुझे भी वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना था, लिहाजा ट्रक में बैठते ही हम लोग वहां से जल्दी से निकले। जब हम लोग वहां से निकल रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि ये तो वही ट्रक ड्राइवर है जिससे मैंने शहर जाने के लिए लिफ्ट ली थी, मगर वो अभी काफी डरा हुआ था और कुछ भी बोलने बताने की स्थिति में नहीं लग रहा था। उसका पूरा ध्यान ट्रक को वहां से भगाने में था। अभी हम वहां से निकल ही रहे थे कि अचानक से सड़क के बीचों बीच भीड़ जमा होने लगी, मगर ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड कम करने की जगह और भी बढ़ा दी। मैंने ट्रक ड्राइवर को कहा भी, ये क्या कर रहे हो, सारे मारे जाएंगे। तो इस पर वो ट्रक ड्राइवर बोला, मरे हुए दोबारा नहीं मरते। और ये बोलते हुए उसने उस भीड़ में ट्रक चलाते हुए वहां से आगे निकल आया। जब ट्रक उस भीड़ को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उन सभी लोगों के दो हिस्से हो रखे हैं, जैसे कि उन्हें बीचों बीच काटा गया हो। अब तक ट्रक काफी दूर आ चुका था और हमें लगा कि अब खतरा टल गया है कि तभी ट्रक अचानक ही बंद पड़ गया, जिससे हमारा डर फिर एक बार जिंदा हो उठा और हमें ट्रक से नीचे उतरना पड़ा। वहां आसपास कुछ भी नहीं था सिवाय एक बत्ती के जो काफी दूर चल रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वहां कोई दुकान या फिर घर है। तभी ट्रक ड्राइवर ने कहा, लगता नहीं ये ट्रक अब स्टार्ट हो पाएगी और यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, चलो वहां चलकर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। ये बोलते हुए वो ट्रक ड्राइवर उस बत्ती की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे मैं भी। फिर जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने पाया कि वहां पर तीन चार घर हैं, जिनमें से एक घर का दरवाजा खुला हुआ था और उस घर की लाइट भी अभी जल ही रही थी। इससे पहले हम उस घर पर दस्तक देते कि उसमें से एक आदमी हाथ में लाठी लिए बाहर निकला। इससे पहले हम उनसे कुछ कहते कि उन्होंने हमें रोकते हुए ट्रक की तरफ इशारा किया तो ट्रक ड्राइवर ने कहा, हाँ ये मेरी ही ट्रक है, वो क्या है कि। अभी ट्रक ड्राइवर ने अपनी बात खत्म की भी नहीं थी कि वो आदमी बिना आगे सुने ही ट्रक की तरफ जाने लगा। उस वक्त ना तो ट्रक ड्राइवर को कुछ समझ आ रहा था और ना ही मुझे। खैर उस आदमी को ट्रक की तरफ जाते देख हम भी उसके पीछे पीछे ट्रक की तरफ जाने लगे और फिर जब वो ट्रक के पास पहुंचे तो उन्होंने तीन बार अपनी लाठी को सड़क पर ठोंका और तभी ट्रक के पीछे से वो तीन लोग उतरे जो मुझे वहां आरा मशीन से काटने वाले थे। उन्हें ट्रक से उतरता देख हम दोनों के तो होश ही उड़ गए। तभी उस आदमी ने कुछ अजीब सा कहा और उसके उतना कहते ही वो तीनों वहां से पीछे भाग गए। उन तीनों के जाते ही वो आदमी हमारी ओर पलटा और बोला,
अब तुम लोग जा सकते हो, अब कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ये बोलकर वो आदमी अपनी लाठी को सड़क पर घसीटता हुआ वहां से चला गया और हम लोग ट्रक में बैठ गए। और जब ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट किया तो ट्रक भी स्टार्ट हो गया। जब हम उस बत्ती के पास पहुंचे तो हम फिर से एक बार हैरान हो गए, क्योंकि उस बत्ती के पास जो पहले 3-4 घर थे वो अब वहां पर नहीं थे। तो दोस्तों, कौन थे ये लोग और उस जगह का क्या रहस्य था और वेजनाथ जी के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए देखना न भूलें इस कहानी का अंतिम भाग कल रात 8:15 बजे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।